करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल के बाद गुरु जी के साथ। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरु जी। मैं कॉरपोरेट ट्रेनर किशन ओझा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे जो बेसिक्स होते हैं आपके स्ट्रक्चरल एनालिसिस में कि डिटर्मिनेट बीम्स क्या होती है, इनडिटर्मिनेट बीम्स क्या होती है, और उनकी हेल्प से जो हम लोग स्ट्रक्चरल एनालिसिस पार्ट करते हैं एक बिल्डिंग का, जिसमें आपको पूरे बीम के अकॉर्डिंगली जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि आपने वीडियोस में देखा होगा कि हमारा जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है वो बीम के अकॉर्डिंगली कैसे वैरी करता है, कितने टाइप के लोड होते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अंत तक के बने रहिएगा। उससे पहले आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है कि हमारा जो कोर्स है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स और गुरु जी का खजाना कोर्स, वो आप लोगों के लिए अभी भी डिस्काउंटेड ऑफर में चल रहा है, जिसको आप पा सकते हैं। सिर्फ आपको कूपन कोड अप्लाई करना है गुरु जी। आपको कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में एस्टीमेशन, बार बाइंडिंग शेड्यूल, क्वांटिटी सर्वे, बिलिंग, ऑटोकैड, रेविट आर्किटेक्चर, ई टैब्स, और उसके साथ में ही आपको MSP सॉफ्टवेयर भी मिल रहा है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में। यही कोर्सेस आपको गुरुजी के खजाना में भी मिलने वाले हैं। उसके साथ में ही गुरुजी के खजाना कोर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। जितने भी मेरे फ्रेशर इंजीनियर्स हैं उनके लिए कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक और कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग वर्ल्ड। जितने भी आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं वो ये कोर्स की हेल्प से जान पाएंगे कि क्या रेविट आर्किटेक्चरल होता है, क्या ऑटोकैड, गूगल स्केचअप और 3ds मैक्स की हेल्प से हम लोग कैसे बहुत अच्छे अच्छे एलिवेशंस प्रिपेयर करते हैं। तो ये सब कोर्सेस आप लोगों के लिए सिविल गुरुजी लगातार ला रहा है आप लोगों की ग्रो करने के लिए। ये लगातार कोर्सेस आप लोगों के लिए डेवलप होते जा रहे हैं। तो अगर आपने विजिट नहीं किया है तो अब भी विजिट करिए www.civilguruji.com पे, और बहुत सारे लेक्चर्स के आपके फ्री ट्रायल अवेलेबल हैं। आप बिल्कुल जाके फ्री ट्रायल्स को देख सकते हैं और वहां से आप देख लेंगे कि आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला था जैसे कि स्ट्रक्चर एनालिसिस पार्ट में, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ बीम और उनके जो रिएक्शंस होते हैं वो कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ बीम्स देखते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ बीम्स में आपका जो सबसे पहला जो बीम होता है वो होता है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम को अगर मैं डिफाइन करूं तो ये जो बीम होती है जिसके एक एंड हिंज होता है और दूसरा एंड आपका रोलर सपोर्ट होता है। तो सबसे पहले अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखूं तो मेरे को फ्री बॉडी डायग्राम में आपको देखने को मिलेगा कि जो हिंज पार्ट रहता है वहां पे आपके दो रिएक्शंस डेवलप होते हैं, जो कि होता है एक RA और ये आपका होता है VA। सपोज RA VA के आपके दो रिएक्शंस, एक वर्टिकल रिएक्शन और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप होता है जहां भी आपके हिंज लगे होते हैं। और रोलर सपोर्ट की बात करें तो सिर्फ एक सपोर्ट होता है, एक रिएक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं RB। सपोज ये मेरा A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, तो वहां पे आपका जो फ्री बॉडी डायग्राम बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है सिंपली सपोर्टेड के केस में। अब यहां मैं अगर बात करूं इन रिएक्शंस की, तो ये जो बीम है मेरा ना वर्टिकली मूव कर सकता है ना हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है। वही काम है हिंज का कि वो उसको अपनी जगह से हिलने ना दे। वही चीज अगर मैं रोलर सपोर्ट की बात करूं तो रोलर सपोर्ट में आपका हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन अलाउ रहता है। क्यों? जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी रोड्स रहते हैं, जो ब्रिज में आपका पाइल के अकॉर्डिंगली बने रहते हैं, तो आपका जो स्पान रहता है एक एंड फिक्स रहता है, एक एंड रोलर रहता है। क्यों? क्योंकि जब लोड आए तो वो जो हॉरिजॉन्टल उसको एक डिफ्लेक्शन मिले, ताकि वहां पे जैसे ही लोड वहां से हट जाएगा वो अपनी जगह में वापस आ जाए। इसीलिए जनरली एक एंड को रोलर सपोर्ट ही देते हैं। अगर दोनों तरफ हिंज दे देंगे
तो हो सकता है कि साइड्स में क्रैक डेवलप हो जाए, क्योंकि एक एंटी मोमेंट उसमें ऑलरेडी क्रिएट हो जाएगा। तो इसीलिए एक हिंज के साथ आप एक रोलर जब प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम बोलते हैं। वैसे ही आपका अगर कैंटिलीवर का केस मैं बोलूं तो कैंटिलीवर बीम आपका होता है कुछ इस तरह से, एक एंड उसका फिक्स रहता है और एक एंड फ्री रहता है। तो जो इसका फ्री बॉडी डायग्राम होगा, सपोज ये अगर मेरा ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो मेरे को पता चलेगा कि एक यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन डेवलप होगा, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप होगा और तीसरा आपका एक मोमेंट जनरेट होगा इस पॉइंट पे। मतलब टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस यहाँ पे मेरे पास कितने हैं, तीन, और एक एंड फ्री है, मतलब वहां पे कोई भी रिएक्शन डेवलप नहीं हो रहा है, जस्ट हैंग कर रहा है। इसका अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो छज्जा होता है वो एक एंड से फिक्स होता है और एक एंड उसका फ्री होता है। वही आपका एग्जांपल होता है कैंटिलीवर के केस में। यहां पे आपके पास कितने रिएक्शंस डेवलप हो गए, तीन। वैसे ही सिंपली सपोर्टेड केस में भी आपके कितने रिएक्शंस डेवलप हो गए, तीन। तो इसी तरह से अब हम लोग बात करते हैं आगे कि क्या होता है आपका डिटर्मिनेट बीम। तो दोस्तों देखते हैं कि डिटर्मिनेट बीम को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। डिटर्मिनेट बीम वो होती है जिसमें आपकी जो नंबर ऑफ रिएक्शंस हैं वो बराबर होते हैं आपके नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन से। मतलब कि आपके जो नंबर ऑफ अननोन है वो आपके बराबर है या कम है, किससे, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन से। यहां पे मैं जो इक्विलिब्रियम कंडीशन बोल रहा हूं वो होती है आपकी, सबसे पहला जो आपका समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस जो होते हैं वो जीरो होता है। ये हमको प्रिंसिपल इक्वेशंस है जिसमें हमको नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशंस जो होती हैं उसमें सबसे पहला केस जो होता है आपका, उसमें आपकी वर्टिकल फोर्सेस क्या होती है, सब जीरो। फिर आपके जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होते हैं वो होते हैं जीरो। ये आपकी कंडीशन है, ये कंडीशन के हेल्प से ही हम लोग फाइंड आउट करते हैं अपने अननोन रिएक्शंस को। और मोमेंट एट अ पॉइंट, मतलब कोई भी एक सपोर्ट पे जो मोमेंट होगा, जैसे कि अगर मैं हिंज पे बात करूं या रोलर पे बात करूं, वहां के केस में आपका जो मोमेंट होता है वहां पे आपका जो होता है वो जीरो होता है। तो ये तीन इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती है जिनको हम लोग यूज करते हैं अननोन्स निकालने के लिए। तो आपका जो डिटर्मिनेट बीम होता है उसमें जो आपके नंबर ऑफ अननोन्स होते हैं वो आपके नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन से बराबर होते हैं। तो चलिए केस देखते हैं। अगर मैं सिंपली सपोर्टेड का केस लूं, जैसे मैंने बताया कि सिंपली सपोर्टेड में आपका एक तरफ हिंज होता है और एक तरफ रोलर सपोर्ट। अब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखूं, सपोज तो ये मेरा ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो जैसे ही मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, मेरे को एक यहां पे वर्टिकल रिएक्शन डेवलप होगा, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप होगा। यहां पे बी पॉइंट पे रोलर सपोर्ट है तो मेरे को सिर्फ एक वर्टिकल रिएक्शन ही डेवलप होगा। अब मैं यहां अगर नंबर ऑफ अननोन्स की बात करूं, नंबर ऑफ अननोन्स कितने हो गए आपके, 1, 2 और 3, तीन हो गए। तो अगर मैं इसकी डिटर्मिनेंसी चेक करूंगा कि कौन सी बीम है, डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट है, तो इसको चेक करने के लिए हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंटरनल फोर्सेस। तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ अननोन्स कितने हो गए आपके, तीन, और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशंस कितनी आपकी, तीन। तो ये तीन तीन का क्राइटेरिया जो सेटिस्फाई होता है वैसी बीम को हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेट बीम। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं दोस्तों इनडिटर्मिनेट बीम की। तो जैसे मैंने बताया कि डिटर्मिनेट बीम में आपके जो नंबर ऑफ अननोन्स होते हैं वो इक्वल होते हैं आपके नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन से, वैसे ही अगर मैं इनडिटर्मिनेट बीम की बात करूं तो यहां पे जो आपके नंबर ऑफ अननोन्स होते हैं, यहां जो अननोन की मैं बात कर रहा हूं वो आपके जो रिएक्शंस डेवलप होते हैं बीम में वो आपके ज्यादा होते हैं किससे, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन से। तो जब आपके नंबर ऑफ अननोन्स ज्यादा होंगे नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन से, तब आपकी जो बीम होगी वो होगी आपकी इनडिटर्मिनेट बीम। अब सपोज अगर मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे देखूं तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं फिक्स बीम का। फिक्स बीम में क्या होता है, उसके दोनों ही एंड फिक्स होते हैं। तो इस पे जो आपके रिएक्शंस डेवलप होते हैं, जैसे मैंने बताया कि जो फिक्स बीम होती है, जो फिक्स सपोर्ट होता है, वहां पे तीन रिएक्शंस डेवलप होते हैं। सबसे पहला होता है आपका एक वर्टिकल
एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल और एक होता है वहां पे मूवमेंट। सिमिलरली बी पॉइंट भी आपका क्या है, फिक्स सपोर्ट है, तो यहां पे भी आपके कितने रिएक्शन डेवलप होंगे, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक मूवमेंट। तो टोटल मेरे पास कितने अननोन्स हो गए, यहां पे 6 अननोन हो गए। तो अगर मैं अब यहां कंडीशन को सेटिस्फाई देखूं तो मेरे पास नंबर ऑफ अननोन्स कितने हो गए, 6, और मेरे पास इक्विलिब्रियम कंडीशंस कितनी है, 3, समेशन ऑफ fx, समेशन ऑफ fy और एक मोमेंट एक पॉइंट पे जो जीरो होता है। तो ये 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन हुए। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि जो नंबर ऑफ अननोन्स है वो ज्यादा है, इसलिए जो हमारी फिक्स बीम होती है वो आपकी इनडिटर्मिनेट बीम होती है। तो वैसे ही डिटर्मिनेट बीम में आपके कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम और ओवरहैंगिंग बीम, वो डिटर्मिनेट बीम्स होती हैं। और जो इनडिटर्मिनेट बीम होती है वो होती है आपकी फिक्स बीम और कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम का अगर मैं एग्जांपल लूं, नॉर्मल एग्जांपल, तो आपने रेल पटरी देखी होगी, तो उसमें क्या होता है, कंटिन्यूअसली लोड ट्रांसफर होता है और उसमें 3 सपोर्ट होते हैं। तो इसी तरह से वीडियोस में आप लोगों के लिए और लाते रहूंगा कि बेसिक्स क्या होते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस के। क्यों? क्योंकि जो हमारा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स है उसमें आप लोगों को लिए ई टैब्स सिखाया जाता है कि कैसे हम लोग पूरे जो स्ट्रक्चर है उसमें जो लोड मैकेनिज्म होता है कि कैसे लोड ट्रांसफर होता है, कौन सा डेड लोड होता है, कौन सा लाइव लोड होता है, उसके बारे में पूरा अच्छे से पूरा डिजाइन करना सिखाया गया है। उससे पहले कुछ बेसिक्स होते हैं जो एक इंजीनियर को जानना बहुत जरूरी होता है। वैसे ही मैं अगले टॉपिक की बात करूं तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले कि कितने टाइप के लोड होते हैं कि स्ट्रक्चरल मेंबर पे। तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ लोड में, और उन टाइप ऑफ लोड के अकॉर्डिंगली जो आपका शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है वो कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें टाइप ऑफ लोड की, तो सबसे पहले जो आपका लोड होता है उसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट लोड। पॉइंट लोड मतलब आपकी एक बीम है और उस बीम पे कोई भी एक पॉइंट पे लोड लग रहा है, जिसको हम लोग कंसंट्रेटेड लोड भी बोलते हैं। उस पॉइंट लोड के लिए अगर मैं शेयर फोर्स डायग्राम बोलूं तो वो आपका हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होते हैं, या तो इस फॉर्मेट में होंगे या तो इस फॉर्मेट में। और अगर मेरे को पॉइंट लोड का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखना होगा तो वो हमेशा कैसे बनेंगे, इनक्लाइंड। वैसे ही आपका सेकेंड जो लोड होता है वो होता है UDL, मतलब कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। जैसे कि अगर एक क्लासरूम है उसमें आपके जो टेबल्स लगे रहती हैं वो एक ही वेट के होंगे और एक ही सीक्वेंस पे लगे रहते हैं, तो वो जो स्पान होगा, सपोज कर लीजिए एक बीम है तो हर पॉइंट पे जो लोड लगे रहेंगे उनको हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोलते हैं, जिनको हम लोग सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसा। अब इसका जो शेयर फोर्स डायग्राम बनता है वो आपका इंक्लाइंड बनता है, और उसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा जहां पे भी आपका UDL का केस आ रहा है वहां के लिए आपका बनेगा पैराबोला। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इजीली कैसे हम लोग समझते हैं कि कहां पे मेरे को स्ट्रेट लाइन लगेगी, कहां इंक्लाइंड लाइन लगेगी, कहां पैराबोला बनेगा। तो जस्ट ये बेसिक आप लोगों को याद रखना है जिससे आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थर्ड जो होता है आपका UVL, मतलब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, मतलब कुछ लोडिंग इस तरह से कि एक पॉइंट पे आपका लोड जीरो है और बढ़ते जा रहा है। वैसे ही इसके लिए जो शेयर फोर्स डायग्राम बनता है वो आपका पैराबोला बनता है, और जो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है वो आपका बनता है क्यूबिक पैराबोला। तो ये बहुत सारे ऐसे कुछ लोड्स हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं जब भी हम लोग इसका लोड एनालिसिस करते हैं। तो यहां पे हम लोग जो लोड लेते हैं वो पॉइंट लोड, UDL और UVL लेते हैं। जब ई टैब्स में आप लोग कैलकुलेशन करते हैं, जब आपने देखा होगा कि स्लैब, जब वन वे स्लैब होता है, टू वे स्लैब होता है, तो उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वन वे स्लैब में आपका रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब UDL के फॉर्म में। वैसे ही अगर टू वे स्लैब के बारे में बात करें तो एक फॉर्म उसका ट्रेपेजॉइडल होता है और उसमें कुछ दो तरह से ट्रायंगल्स भी होते हैं जिस तरह से वो लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये सब चीजें आप सीखेंगे ई टैब्स में। तो दोस्तों जल्दी विजिट करिए हमारे www.civilguruji.com पे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस स्ट्रक्चर एनालिसिस पे, बेसिक पे मैं वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहूं, तो आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को लिख दीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जितने भी इंजीनियर्स ये वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से
ज्यादा शेयर करिए। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा सिविल गुरुजी के साथ।